Hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ नासिक की न्यू सिटी बस का। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये बहुत सारी बस खड़ी है, ये बस जो ये ग्रीन कलर में है, बट यहाँ पे और भी एक बस है ब्लू कलर में, जो कि मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ। बिकॉज ये जो बस है ये CNG है और जो ब्लू वाली बस है वो डीजल है, तो वो थोड़ी सी छोटी बस है और ये थोड़ी बड़ी बस है। तो मैं आपको दोनों बस जो ये दिखाने वाला हूँ आगे जाके। और ये जो आप ग्रीन वाली बस देख रहे हैं ये है एक अशोक लेलैंड की तरफ से आने वाली BS4 के इंजन के साथ आने वाली CNG बस। तो इसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस देने वाला हूँ कि क्या इंजन है इसके अंदर, कितना इसके अंदर टॉर्क है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस बस का जो है एक्सटीरियर भी देखने वाले हैं कि बाहर से बस कैसी दिखती है, बाहर से इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, और इसका हम इंटीरियर भी देखने वाले हैं कि अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बिकॉज अंदर जो है बहुत सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं सेफ्टी के लिए, इसके अंदर जो है बहुत सारे फीचर्स डाल दिए हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर डाला है और जो कैमराज वगैरह है, CCTV कैमराज वगैरह है, वो भी इसके अंदर जो है डाल दिए गए हैं। देन इसका एक ऐप भी क्रिएट किया है जिसके ऊपर से आप बस कहाँ पे है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस बस के अंदर मिल जाती है। तो इसलिए मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी जो ये बारिश भी गिरी है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये वीडियो जो ये बारिश में शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बनता है। तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अभी हम जल्दी से बस देखते हैं। A few moments later. मैं सबसे पहले मैं आपको एक बस बाहर से कैसी है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको सामने से देख लीजिए, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी बस है, तो मैं आपको कोई पर्टिकुलर बस में दिखाता हूँ कि कैसी है। बाहर से मैं आपको ये वाली बस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो ये CNG की वगैरह बैजिंग भी है, जो फ्रंट लुक है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके हेडलैम्प्स है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो ये हेलोजन लैंप मिलता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप है और यहाँ पे जो ये फिर से एक हेलोजन आपको टर्निंग इंडिकेटर मिलता है, और ये यहाँ पे आपको जो ये सामने अशोक लेलैंड की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे जो इसका लोगो भी लगा हुआ है। सो सामने अगर आप देखें तो बस कुछ इस तरह से लगती है। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी है तो मुझे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं नासिक महानगर परिवहन महामंडल ली, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बैजिंग है और यहाँ पे सिटी लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसकी जो ये एक बार बैजिंग देख लीजिए, कनेक्टिंग नासिक। सो ये जो सिटी लिंक है इसका एक ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बस जो ये आप ट्रैक भी कर सकते हैं, और आप जो ये ऑनलाइन इस बस के अंदर जो ये टिकट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप दूसरी साइट्स के ऊपर निकालते हैं बस के टिकट्स, वैसे आप यहाँ पे सिटी बस के भी टिकट अब निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ एड ऑन कर दी गई है। देन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये ड्राइवर अंदर चढ़ता है, तो ये शायद से अभी लॉक होगा बट खुला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस की कीज़ वगैरह भी यहाँ पे लगी है, और बस बहुत दिन से यहाँ पे शुरू नहीं होने की वजह से इसके अंदर जो है थोड़ी सी धूल वगैरह आपको देखने को मिलेगी। बट बहुत सारी जो बस है वो नासिक के अंदर अभी वर्किंग है, बट आधे रूट जो है कोविड की वजह से अभी तक वर्किंग नहीं है, तो इस वजह से बस जो यहाँ पे पार्क है। शायद से अराउंड एक साल से बसेस जो यहाँ पे खड़ी है और कोविड की वजह से इनका जो काम है स्टॉप हो गया था। तो हमें जो इन बसेस को सपोर्ट करना चाहिए, इस बस के अंदर हमें ट्रैवल करना चाहिए, बिकॉज CNG बसेस है और हमारे लिए ये बसेस जो ये नासिक में अभी वर्किंग कर दी है। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे अगर आप पीछे से देखें तो ये बस कुछ इस तरह से लगती है, यहाँ पे CNG की एक बड़ी सी बैजिंग है, और पूरी जो बस है वो आप बाहर से देख सकते हैं पूरी ही क्लीन है, बिकॉज अभी तक ये बस जो है ये वर्किंग नहीं है, ये वाली ये जो स्पेसिफिक बस है ये वर्किंग नहीं है, बाकी सारी बसेज जो ये वर्किंग है, मतलब बहुत सारी बसेज जो ये वर्किंग है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो ये एक इमरजेंसी एग्ज़िट मिलता है, और ये है पीछे की साइड इस बस की। तो यहाँ पे आपको जो ये इसका जो CNG का एग्जस्ट पाइप है वो आपको यहाँ पे मिलता है, बिकॉज़ जो CNG रहता है वो गैस फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे जो है इसका एग्जस्ट आपको देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर के साइड में है, तो जो पोल्यूशन है वो आपको नीचे के लेवल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पोल्यूशन जो है जितना भी होगा, वैसे तो CNG में बहुत कम पोल्यूशन होता है, बट जितना भी पोल्यूशन जो होगा वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सो पीछे से आप एक बार इस बस को देख लीजिए, कुछ इस तरह से लगती है, और
ये है बस की टेल लैम्प्स वगैरह, पीछे भी यहाँ पे जो ये सिटी लिंक की बैजिंग वगैरह मतलब जो लोगो वगैरह है वो लगा दिया है। और यहाँ से आप फिर से इस बस को आगे से देख लीजिए। ये अगर मैं आपको बटन बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, तो ये है इमरजेंसी ओपन का। तो इससे जो ये वाली डोर्स इमरजेंसी में ओपन हो जाती है अगर आपको बाहर से ओपन करनी है तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है सेफ्टी में। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे फीचर्स है। और यहाँ पर एक बार आप इसके जो ये टायर्स भी देख लीजिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी साइज़ के टायर्स है। यहाँ पर आपको जो ये इसकी बैजिंग कहीं पे देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.00 R 20 इंचेस के जो इसके अंदर टायर्स है व्हील्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 इंच के इसके अंदर जो ये व्हील्स है। और टायर साइज़ भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जो ये टायर्स आपको यहाँ पे जो ये देखने को मिल जाते हैं। इसकी भी आप यहाँ पर जो ये बैजिंग वगैरह देख सकते हैं कहीं पर आपको दिख रही होगी। तो सो कुछ इस तरह के इसके अंदर जो ये व्हील्स है बस की। एक बार आप साइड लुक देख लीजिए कुछ इस तरह से लगती है। और अभी हम डायरेक्टली चलेंगे बस के अंदर। सो इस वाले बस के अंदर हम चढ़ने वाले हैं बिकॉज़ ये जो ये पूरी तरह से अनलॉक है। और इसको हम स्टार्ट भी करके देखने वाले हैं कि बस के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे जो ये बहुत सारे कीचड़ है तो बस जो ये थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। बस जो ये हर सुबह वॉशिंग होती है, सारी बसें जो ये वॉशिंग होती है, तो क्लीन भी यहाँ पे जो ये काफ़ी अच्छे से क्लीनलीनेस रखते हैं बसेस का। यहाँ पे आप अंदर से देखें तो यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हैं कि बस के अंदर किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट की है। इसके अंदर जो ये जो हैंडीकैप लोग रहते हैं उनके लिए एक सेपरेट जो ये सीट जो ये रखी हुई है, जो कि यहाँ पे आपको हाइट पे दिख रही होगी। तो ये जो ये स्पेशली हैंडीकैप जो लोग रहते हैं उनके लिए शायद से बनाई है। इसके अंदर सीट बेल्ट वगैरह भी है। तो ये आप यहाँ पे जो ये चीज़ देख सकते हैं कई सीट्स में जो ये सीट बेल्ट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप पीछे भी देखें ना, तो यहाँ पे इन सीट्स के ऊपर भी जो ये सीट बेल्ट्स है। ऊपर यहाँ पे इसके अंदर जो ये लाइट्स वगैरह है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो डोर्स है ये इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाते हैं, ओपन होते हैं। तो ये एक अगेन एक काफ़ी अच्छा फीचर है। बस अभी पूरी खाली है, अभी मैं एक ड्राइवर को बुलाता हूँ और बस आपको जो ये स्टार्ट करके बताता हूँ। One hour later. So, ये है इस बस का डैशबोर्ड। सबसे पहले तो आप डैशबोर्ड देख लीजिए। यहाँ पे इसके अंदर जो ये एक स्क्रीन है, तो इसके अंदर बहुत सारे जो ये आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो कुछ अलर्ट का फीचर है जो कि एक्सीडेंट वगैरह के टाइम में काम में आता है। ये है कैमरा का फीचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। और पीछे और आगे इसके अंदर दो कैमरास हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर के ID से लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, उसी के बाद ये दिखती है। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है सारे इस बस के रूट्स। तो ये कहाँ से जाती है वो सारा इसके अंदर सेट रहता है। और ये हेल्थ के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ हेल्थ की इन्फॉर्मेशन आएगी कि बस की हेल्थ कैसी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल स्पीड वगैरह भी इसके अंदर मेंशन किया है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो ये मेंशन है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉलिंग का भी कुछ फीचर है जो कि शायद से हमें फ़ोन वगैरह इसके अंदर कनेक्ट करते आएगा। देन अगर आप कुछ और देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे जो ये ट्रांसमिशन वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, गियर वगैरह कौन सा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो ये दिख जाती है। तो मतलब पूरी जो चीज़ें ये इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर जो ये कंट्रोल होती है। अगर आप ये वाले यहाँ पे बटन्स देखें तो इससे जो ये डोर्स वगैरह बंद होती है और ओपन होती है। तो एक बार हम ये डोर्स वगैरह भी ओपन वगैरह करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन दबाने के बाद जो ये डोर्स अभी ये क्लोज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और ये यहाँ पे इसकी जो ये मशीन लगी हुई है, शायद से इसके अंदर जो है पूरा ही न्यूमेटिक सिस्टम है, तो न्यूमेटिकली ये डोर जो ये क्लोज़ होती है। पीछे की डोर भी सेम जो ये न्यूमेटिकली क्लोज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की डोर, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो डोर है ये भी पूरी न्यूमेटिकली क्लोज होती है। तो इसके जो बटन्स है वो आगे की तरफ रहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ये सेपरेट साइज से बटन होगा। सो दोनों डोर जो ये इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज होती है और बंद भी होती है। और ऊपर अगर आप लाइट्स वगैरह देखें ना, तो ये देखिए अब यहाँ पे जो ये डोर है दोनों क्लोज हो चुके हैं। और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो ये LED लाइट्स लगी हुई है। तो गाड़ी के अंदर जो लाइट्स है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप जो रोशनी है वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से विजिबल है, वाइट लाइट्स है पूरी। और यहाँ पे शायद से जो ये डिजिटल डिस्प्ले है जो कि हमें बाहर की तरफ से दिखेगा, बिकॉज़ यहाँ पे भी डिजिटल डिस्प्ले है। यहाँ पे पीछे एक डिजिटल डिस्प्ले है और आगे भी एक डिजिटल जो ये डिस्प्ले है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम वगैरह आपको इसके ऊपर अभी दिख रहा होगा। और
यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये है इसका सीसीटीवी कैमरा। तो यहाँ पे आपको इस बस के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा भी मिलता है, और यहाँ पे जो ये बस में पकड़ने के लिए हैंडल्स वगैरह दिए हैं जो कि पूरे ही मॉडर्न स्टाइल में है। यहाँ पे अगर कुछ बटन्स देखें तो ये है इमरजेंसी बटन्स। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ड्राइवर को समझता है कि कुछ इमरजेंसी और बस रोकनी है, तो ये इसलिए दिया है। यहाँ पे भी कुछ एक बटन दिया है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं आगे जो ये एक लाइट जलती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट जली अभी। तो कुछ इस तरह का आपको बटन मिलता है, और जिससे समझता है कि ड्राइवर को कि कुछ इमरजेंसी आई है और किसी को बाहर उतरना है, तो इसलिए ये बटन जो ये दिए गए हैं। लेकिन अगर आप सीट्स भी देखें ना तो यहाँ पे आप सीट्स भी देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पे अच्छी कंफर्टेबल सीट्स दी गई है, जहाँ पे मैं एक बार आपको बैठ के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस, अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो ये आपको स्पेस मिलती है, और यहाँ पे सामने एक सिंगल सीट है। अगर मैं आपको कैपेसिटी बताऊँ ना तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो यहाँ पे इस बस के अंदर जो ये 37 सीट्स की कैपेसिटी है, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर हम ड्राइवर को भी इंक्लूड करें तो 38 सीट्स की कैपेसिटी है। सो कुछ इस तरह से बस है। देन फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे पीछे कुछ तो भी सेफ्टी की एक चीज़ लगी है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है, और यहाँ पे इसका जो ये बटन है इसकी वजह से जो डोर है वो खुलता है। यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट का आपको बटन मिलता है, और यहाँ पे आपको जो ये एक हैमर भी मिलता है, तो इसकी वजह से आप जो ये जो हमारी विंडोज़ रहती है वो ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है इसका मेन जो ये इमरजेंसी एग्जिट है पीछे के साइड में। फिर से एक बार आप बस को देख लीजिए, कुछ इस तरह से है, और बहुत ही अच्छी है आपको ये बस यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि अभी नासिक में वर्किंग है। देन यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये है फर्स्ट एड किट, और यहाँ पे कुछ और जो ये सामान रखने के लिए शायद से जगह होगी, ऊपर के साइड में स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे जो ये एक फ़ैन वगैरह भी लगा दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर को कुछ भी तकलीफ़ ना हो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसके अंदर केयर की है। अगर आप वो साइड में बटन्स देखें तो और भी कुछ बटन्स है इस बस से रिलेटेड, तो हज़ार्ड लाइट वगैरह के आपको सारे कुछ बटन्स वो साइड में मिलते हैं। देन यहाँ पे अगर आप इस बस की टॉप स्पीड देखें तो 160 की इसके अंदर जो ये टॉप स्पीड लगाई है, बट इसके ऊपर जो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती है क्योंकि जो बस है वो सिटी में ड्राइव होती है, तो उसकी वजह से जो ये बस अराउंड 60 km/h की स्पीड पर ही चलती है। एंड देन ये है इसका इंजन, यहाँ पर जो इसका CNG इंजन है, तो वो भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंजन ओपन करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ क्लिप्स वगैरह रहती है तो ये कुछ इस तरह से खोलनी पड़ती है, और यहाँ से जो ये इंजन लिफ्ट होता है। सो यहाँ पे ये एक स्टॉपर भी है, ये हमें थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। और फिर बाद में ही जो ये एक इंजन खुलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका इंजन, 6 सिलेंडर वाला इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं H सीरीज़ का यहाँ पे जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, और इसके जो बाकी के स्पेसिफिकेशंस हैं ना वो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डालूँगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी इसके अंदर पावर प्रोड्यूस होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जो ये डिस्प्ले के ऊपर डालूँगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कितने पावर का इंजन है, सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा। सो फिर से एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला है LED डिस्प्ले जिसके ऊपर आपको जो ये कौन सा स्टॉप है उसकी जो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पे आप फिर से डोर देख सकते हैं, एक बार मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ कि जो डिस्प्लेज है वो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से अगर आपको देखना है कि कौन सा स्टॉप है, बस कहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। और अगर आप ये साइड से देखें तो साइड से भी शायद से जो ये डिस्प्ले लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे के साइड में यहाँ पर भी जो ये एक डिस्प्ले लगा है, इसके ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और यहाँ पे पीछे के साइड में भी ये डिस्प्ले लगा है। तो सारे साइड में आपको ये डिस्प्ले मिलता है, चारों साइड से आप देख सकते हैं कि कौन सी बस जा रही है। और मैंने आपको जैसे कि बोला है कि आप इजीली जो ये ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ पे जा रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो ये बस अभी आ चुकी है, बट कोविड की वजह से जो इसका काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी सारी जगह पर जो ये बस जो ये दौड़ना चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बस है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं ब्लू वाली बस के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ उसका इंटीरियर कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं ये वाली है ब्लू बस। सो ये एक डीजल बस है, और ये वाली जो थी ये एक CNG बस थी, तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी भी है ना वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे आप ये बस देख सकते हैं अशोक लेलैंड की है ये भी।
यहाँ पे सिटी लिंक इसके अंदर भी लगा हुआ है, मतलब इस बस के अंदर भी आपको जो ये सेम जो ये फीचर्स वगैरह भी आने वाले हैं। सो यहाँ पे आप बस को बाहर से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखती है। सामने अगर आप देखें तो हेलोजन हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप है यहाँ पे आगे लगा हुआ। ये फोर सिलेंडर के साथ आती है, इसका जो इंजन है ये फोर सिलेंडर वाला है। और ये यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं, ब्लू कलर की बस है पूरी। यहाँ पे जो ये थोड़ी सी झाड़ियाँ है तो मुझे जाने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। सो यहाँ पे मैं पीछे की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ से भी आप इस बस को देख सकते हैं, पीछे से कुछ इस तरह से लगती है। सो यहाँ पे कैमरा के ऊपर थोड़ा सा फॉग वगैरह आ चुका है तो मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। देन ये है बस की लुक, कुछ इस तरह से बस थी। एक बार मैं आपको इस बस के अंदर भी जाके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या फीचर्स है और इसके अंदर ऐसा क्या अलग है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। और ये वीडियो जो है ये हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। सो जो दूसरा पार्ट होगा ना उसके अंदर मैं आपको इस बस से एक बार ट्रैवल भी करके दिखाऊंगा कि ट्रैवलिंग कैसा है इस बस के अंदर। सो वो वाला पार्ट भी इसी वीडियो में आगे होने वाला है। मैं दो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही वीडियो में जो है ये सारी चीज़ें डाल दूंगा। सो इसको एक बार हम देखते हैं कि ये लॉक है या अनलॉक है। तो जो डोर्स है ना ये लॉक हो जाते हैं, अगर आपको लॉक करने हैं तो ये लॉक भी आप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसको खोलने के लिए सिर्फ वहाँ से अगर ड्राइवर जाए तो तभी इस बस को जो ये खोल सकते हैं। तो एक बार हम ड्राइवर साइड से भी देखते हैं कि बस खुली है या नहीं। सो यहाँ पे बस जो है ये खुली है और यहीं से मैं एक बार आपको चढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें पेड़ रखना पड़ेगा और यहाँ पे एक हैंडल है तो यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ऊपर चढ़ने का। अगर आप ये ड्राइवर वाली सीट्स देखें तो यहाँ पे इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर बटन्स है। यहाँ पे इसके अंदर की जो स्पीड है वो भी 160 की स्पीड है। और ये है इसका स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर जो ये डीजल इंजन है फोर सिलेंडर वाला। और एक बार मैं आपको जो ये पीछे भी जाके दिखाता हूँ कि पीछे किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा निकलना मुश्किल है। सो ये है बस, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है तो आपको जो ये दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसकी अगर आप सीटिंग कैपेसिटी देखें ना तो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे इसके अंदर जो ये साइड में दो सीट्स है और ये साइड में एक ही सीट है। और एक चीज़ मैं आपको वो वाली बस में बताना भूल गया कि उसके अंदर जो ये लेडीज़ के लिए सेपरेट जो ये लाइन रखी है, एक लाइन में जो ये वुमेंस बैठने वाली है उनके लिए एक रिजर्व लाइन है और एक लाइन में जो ये मेन वगैरह बैठने वाले हैं। और काफ़ी मतलब सेपरेशन किया है, हैंडीकैप्स के लिए भी काफ़ी सेपरेट जो ये सीट्स रखी है वो वाली बस में। सो अगर आप ये वाली बस भी देखें ना तो इसके अंदर भी आपको जो ये सेम जो ये कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे कि जो डोर्स है ये भी न्यूमेटिकली क्लोज एंड ओपन होते हैं, जो कि मैंने आपको वो बस में दिखाया सेम वैसे ही होते हैं। देन ये है पीछे वाली साइड, यहाँ पे इमरजेंसी डोर है, एक हैमर भी है जिसे आप जो ये विंडोज़ ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम जो ये डिस्प्लेस आते हैं, मैंने आपको एक गलती से बोल दिया कि चार साइड में आपको डिस्प्ले आते हैं, बट इसमें जो ये तीन ही साइड में डिस्प्ले आते हैं। जिस साइड में डोर है वो साइड में डिस्प्ले आता है, पीछे के साइड में आता है और आगे के साइड में आपको डिस्प्ले मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है इसका बटन जिसको आप दबा के जो ये डोर जो है ये इमरजेंसी में खोल सकते हैं ये वाले। देन यहाँ पे आगे भी एक सीट है तो मैं एक बार आपको जो ये सीट्स गिन के दिखाता हूँ कि कितने सीट्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 सीट्स है इसके अंदर विथ इंक्लूडेड ड्राइवर का सीट। तो 27 सीट, 27 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और एक ड्राइवर इसके अंदर जो ये बैठ सकता है। तो कुछ इस तरह की इसके अंदर कैपेसिटी है। मैंने आपको दोनों बस दिखाई और अभी मैं चलता हूँ बाहर की तरफ और हम कुछ और भी बातें करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको इसका टायर तो दिखाना भूल ही गया, यहाँ पे आप इसका व्हील भी देख सकते हैं, 17 इंचेस का व्हील है और 235/75R17। तो कुछ इस तरह का इसका व्हील है, टायर साइज़ है और बस की आप पूरी लुक देख चुके हैं। सो ये थी कुछ नासिक की सिटी बसेस, यहाँ पे आपने देखी कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ये बस कैसी लगती है। बट इसके अंदर और एक पार्ट होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बस जो ये ट्रैवलिंग के लिए कैसी है, इसके अंदर कैसा कंफर्ट है, क्या जो इसके अंदर चीज़ें मिलती है आपको रियल लाइफ में आपको कैसा लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बोलने वाला हूँ मैं आपको। बिकॉज रिव्यू जो रहता है ये एक स्टेडी पोजीशन पे रहता है, बट अगर आप इसके अंदर ट्रैवल करते हो तो आपको और भी कुछ अलग एक्सपीरियंस आ सकता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर आगे बात करने वाले हैं। तो इसका एक मैं दूसरा पार्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ।
वो जो पार्ट है वो मैं इसी वीडियो के अंदर ऐड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। तो अगर आपको नासिक की ये जो सिटी बसेस है पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग जो ये वीडियोस लाते रहता हूँ, कार से बाइक से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो जो है वो लाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे मैं इस बस के अंदर जो ये ट्रैवल करने वाला हूँ। सो अभी है दूसरा दिन और अभी मैं आ चुका हूँ नासिक के सिटी बस में बस टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बस जो है अभी चल रही है और अभी हम एक नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बस का एक्सपीरियंस कैसा है और इसका फेयर कैसा है। सो इसके अंदर कुछ स्पीकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमें समझता है कि कौन सा स्टॉप जो ये चल रहा है। तो मतलब जिनको बाहर का जो समझता नहीं है कि बस कहाँ पे है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक फीचर है जिसकी मदद से आपको समझेगा कि बस कहाँ पे पहुँची है। ये आपके लिए यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं औरंगाबाद नाका, तो अभी हम औरंगाबाद नाका पे जो ये आए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बस है वो पूरी ही खाली है और अभी जो स्टॉप आता है वहाँ पे जो ये बस बस के जो डोर्स है ये इलेक्ट्रॉनिकली खुलते हैं। सारे डोर जो ये बंद रहते हैं, मतलब जो धूल मिट्टी भी रहती है ना वो अंदर नहीं आती है और कोई भी जो ये कोई भी अलग स्टॉप पे जो ये नहीं चढ़ सकता है। जहाँ पे स्पेसिफिक स्टॉप से वहीं पे बस जो ये बस रुकती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लास्ट वाली सीट के ऊपर बैठा हूँ, तभी भी मुझे जो ये जो खड्डे हैं वो कम फील हो रहे हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बूढ़े हो या मतलब बूढ़े लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आगे ही बैठे, बिकॉज पीछे जो इसके व्हील्स रहते हैं तो इसकी वजह से जो ये आपको ज़्यादा खड्डे महसूस होते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो स्पीड ब्रेकर पे भी मुझे जो ये ठीक ठाक जो ये फील हुआ, बिकॉज नई बस है और सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है इस बस का। सो यहाँ पे एक बार मैं आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे हम आगे वाले सीट पे एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी आगे वाली सीट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहीं पे ऊपर जो इसके स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं और देन अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊँ, तो सारी चीज़ें तो हम निकल के वीडियो में ही देख ली है, बट तभी भी अगर आप ये वाला बटन देखें तो ये बटन दबाने से जो ये ड्राइवर को समझेगा कि आपको कोई दिक्कत है, आपको बस से जो ये उतरना है, आपको कोई इमरजेंसी है, तो उसके लिए ये बटन जो ये दिया है। इन डोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार जो ये लास्ट में डोर्स खोल के दिखाऊंगा। तो ये पिछला वाला डोर ये भी थोड़ा सा बड़ा है और जो आगे वाला डोर है थोड़ा छोटा है और सीट्स भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे। अभी मैं इसके अंदर जो है बैठ के राइड कर रहा हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स लग रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बैठ के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं टायर के ऊपर बैठा हूँ, जो व्हील है इसके ऊपर बैठा हूँ। सो यहाँ पे मेरी हाइट जो है मेरी हाइट जो ये 5.11 है, तभी भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे लेग स्पेस मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे बाकी भी आप सीट्स देख सकते हैं, जो बसेस है वो डेली क्लीन होती है। मैं कल रात को भी यहाँ पे आया था कि बस है या नहीं वो देखने के लिए। सो मैंने कल रात को भी देखा कि बसेस जो ये रोज़ जो ये पूरी तरह से क्लीन होती है बाहर से। मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड कर दूंगा क्योंकि मैंने कल जो ये थोड़ी सी क्लिप्स निकाली है कि बस किस तरह से क्लीन करते हैं। जो बसेस है वो पूरी तरह से क्लीन होती है एंड देन जो ये दूसरे रूट्स के लिए निकलती है सुबह सुबह। सो यहाँ पे ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। देन बाकी आप जो बस है उसका एक्सपीरियंस तो देख ही सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ बस के अंदर, बट स्टिल मुझे जो ये काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, ज़्यादा ऐसे कुछ खड्डे वगैरह महसूस नहीं हो रहे। नासिक में तो अच्छे खासे खड्डे हैं तो थोड़े बहुत तो जो ये फील होने वाले हैं। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बस के अंदर खड़ा हूँ, तो यहाँ पे अभी तक जो ये बस के अंदर कोई भी नहीं चढ़ा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, आपके फ़ोन के अंदर आपको जो ये एक सिटी लिंक नाम का ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी वजह से आपको समझेगा कि आपकी बस कहाँ पे है या जो बस है वो कौन से रूट्स से जाने वाली है। जो बस है वो टाइम टू टाइम वो जगह पे जो ये पहुँचती है, तो आपको बहुत ही मतलब एक अच्छा यहाँ पे ऐप मिल जाता है जिसकी वजह से आपको समझेगा कि आपकी बस जो है आपके स्टॉप पे है। देन आप जो है ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं आपकी बस के, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। देन और भी कुछ आपको है ना ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अभी हम आए हैं निमानी बस स्टॉप पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टॉप दिखाता हूँ।
सो यहाँ पे ये है निमानी बस स्टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अभी हम यहाँ पे भी उतर सकते हैं बिकॉज हमारी जो लोकेशन है वो पास में ही है। और ये वाला बटन मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये बटन दबाने से ये लाइट जो ये जलती है, मतलब सामने वाले को समझेगा कि आपको उतरना है। और वहाँ पे जो ये कुछ इंडिकेशंस भी बचते हैं, तो यहाँ पे आप ये डोर फिर से एक बार देख सकते हैं। और ये है हमारा टिकट, तो यहाँ पे आप ये टिकट एक बार देख लीजिए। हम तपोवन से पंचवटी तक आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कितने पैसे लगे। दो लोग थे तो 15-15 रुपये दोनों को लगे हैं, सो यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। और बाकी के जो रूट के पैसे हैं वो आपको ऑनलाइन समझ सकते हैं, जो कि सिटी लिंक का ऐप है उसके ऊपर आपको समझ सकता है। तो अभी हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं पंचवटी कारंजा पे, जहाँ से हम फिर से घर पे जाने वाले हैं और हमारी गाड़ी जो ये उठाने वाले हैं। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और इसके अंदर आपको जो बाकी बस में जो पुरानी बस थी उसके अंदर जो आवाज़ आती है दरवाज़ों वगैरह की वो भी नहीं आती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अभी हम बस से नीचे उतरने वाले हैं और यहाँ पर ये हमारा स्टॉप आ गया है। यहाँ पर आप कौस्तुभ को भी देख सकते हैं, यही आज मेरे साथ था। तो यहाँ से हम पिछले वाले डोर से उतरने वाले हैं। सो गाइस, बस से उतरने के बाद हम इस तड़कते फड़कते धूप में जो ये फिर से जो ये बस स्टॉप के ऊपर जा रहे हैं जहाँ से हम चढ़े थे, बिकॉज हमारी जो बाइक है वो वहाँ पे पार्क है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जाते टाइम जो ये जो रूट था हमारा उसके लिए बस नहीं थी, इतने सुबह उसके लिए बस नहीं थी। सो इस वजह से हमें जो ये पैदल जाना पड़ रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, 1-2 किलोमीटर ही था बट जाना पड़ रहा है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे आधा रास्ता हो गया है और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंदिर का जो ये काम शुरू है। तो यहाँ पे एक नासिक में जो ये नया मंदिर बन रहा है कुछ तो भी राम भगवान का, और यहाँ पे आप नदी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और अभी हम इस व्यू के अंदर से और तड़कती फड़कती धूप के अंदर से जो ये जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चलते चलते बस स्टॉप तक, और हमारी जो बाइक है वो यहाँ पे आगे के साइड में खड़ी है। अभी हम डायरेक्टली बाइक के ऊपर बैठेंगे और घर पे जाएंगे। आप सभी लोगों के लिए बाय बाय।